हॉस्पिटल शॉट बनाने बार के क्या उस समय हमने उसे कीबोर्ड को चलाने के लिए बोला जो पियानो पे रहता है, और क्योंकि वो उस समय चला रही थी, पहले से बच्ची को आता भी था पियानो चलाना, तो हम लोगों ने ये सोचा कि चलो उसी चीज़ को हम उस चीज़ का लाभ उठाएं और उस चीज़ को करें। और अगर बच्ची के पियानो चलाने में ज़रा सी भी कुछ प्रॉब्लम आती है, अगर वो लड़खड़ाती उस चीज़ में या बात करने में लड़खड़ाती, तो हम फिर उस समय ऑपरेशन में सजग हो जाते कि नहीं हम गलत जगह पे घुस रहे हैं। सर, पहले ये बेंगलोर में हुआ था, वो 7 साल के बच्चे जी 9 साल के में हुआ था। सर, ये कितना बड़ा रिकॉर्ड है ग्वालियर का? ये पूरे वर्ल्ड में सेकंड केस है, जो इंटरनेट पे हमारी जो जानकारी है, हमने जो पूरा सारे लिटरेचर्स को सर्च किया, जो कि इतने छोटे बच्चे में किया गया। 11 साल के कम से उम्र में ज़्यादातर लोग इस सर्जरी को अवॉइड करते हैं, क्योंकि बच्चे काफ़ी छोटे होते हैं, कोऑपरेट नहीं करते हैं, और बच्चों में रिस्क भी ज़्यादा रहता है। तो आप क्या पहले से पियानो बजा लेते थे? हाँ, मैं पहले से पियानो बजा चुकी हूँ। अच्छा अच्छा, तो क्या तकलीफ हुई आपको डॉक्टर साहब ने जब किया था? नहीं, पता लगा? मुझे पता लगा था, तब भी मैंने ऑपरेशन करवाया था। गाना गाया था आपने इस दौरान? हाँ, मैंने गाना गाया था। कौन सा गाना गाया था? मेरा मुल्क मेरा देश, मेरा मुल्क मेरा देश, मेरा एक वतन, शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन।